أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम एक नहायत ही संजीदा टॉपिक पर बात करेंगे, वो है किडनी स्टोन्स, गुर्दों की पत्थरी। गुर्दों की पत्थरी की काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। गुर्दों की पत्थरी जो है ज़्यादा कैल्शियम लेने से बन सकती है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से, मोटापे की वजह से भी, चर्बी बढ़ने से, और ज़्यादा पालक आयरन वगैरह वाली चीज़ें खाने से इस पत्थरी का बनने का मकान ज़्यादा होता है। किसी में इसका साइज़ कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा भी ये पत्थरी का जो है क्रिस्टल बन जाए तो ये नुकसान करते हैं। तो इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती है। तो गुर्दे और मसाने में पत्थरी जो है जब बनती है, इसकी वजह से जो है अलामत पैदा होती हैं, मरीज़ को जो तकलीफ़ होती है, शदीद दर्द होता है, पेशाब के साथ पी खून का आना, जो है पेशाब की इंतहाई तकलीफ़ के साथ, जलन के साथ आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब की नाली की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दर्द बहुत शदीद होती है, दर्द नहीं बर्दाश्त होती, वोमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, इस तरह का कॉमन काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में तो इसकी ज़्यादातर शवाएँ लगाई जाती हैं, इसका जो इलाज है वो शवाएँ हैं, इसके अलावा अल्फ़ा बीटा शवाएँ हैं, वो इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसन ऐसी आ गई हैं जिससे पथरी को बनने से रोका जा सकता है, और पथरी अगर खुदाना खस्ता बन गई है तो उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हमारे पास एक मेडिसन है, दो किस्म की मेडिसन है, अगर आप ये इस्तेमाल करें रेगुलर 3-4 माह के लिए तो इंशाल्लाह पथरी से मुकम्मल निजात मिल सकती है। एक मेडिसन है मेरे सामने नेफ्रोलेट बी ड्रॉप्स हैं, और एक मेडिसन है किड फ्लो। जो नेफ्रोलेट बी ड्रॉप्स हैं ये जो है गुर्दों की बिगड़ती हुई जो ख़राबी है उसको इस पर ये काबू पाती है, और जो मशीनरी की वजह से जो ये जो डायलिसिस होते हैं मरीज़ों के, अल्हम्दुलिल्लाह इस मेडिसिन से डायलिसिस का भी इससे जान छुड़ाई जा सकती है। और जो है सेहत जो है एक बहुत बड़ी दौलत है, इंसान कहता है ये सेहत मेरी ख़राब ना हो, तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी रिज़ल्ट हैं, मैंने अपने मरीज़ों पर इसको जो है तजर्बात किए हैं और ये इसका प्रैक्टिस की है, और इंशाल्लाह इसके काफ़ी रिज़ल्ट मिले हैं, और काफ़ी जो है गुर्दों मरीज़ों के ख़राब थे और काफ़ी बेहतर हो गए। नेफ्रोलेट बी जो है ये डायलिसिस वाले मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, इससे गुर्दे जो हैं किडनी जो है रिकवर रिवर्स हो सकते हैं। ये है मेडिसिन, नेफ्रोलेट बी ड्रॉप्स हैं, ये आपने ड्रॉप्स जो हैं 20 कतरे आधे गिलास पानी में हल करके दिन में 3 बार 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। और दूसरी मेरे सामने पथरी के लिए मेडिसिन है किड फ्लो, पेशाब के इन्फेक्शन के लिए, पथरी के लिए ये आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टैबलेट्स भी हैं, एक गोली आप जो है पानी के साथ दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, और कतरे आपने पीने हैं 20 कतरे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि नई आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें, और लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो का पहुँच कर उनको फ़ायदा हो, और वो जो लोग इस मर्ज़ में मुबतला हैं वो निजात हासिल करें। शुक्रिया, थैंक यू।